बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स अब्बास जाफरी फ्रॉम असास नेशनल स्कूल। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे इज़ 4th July 2020 एंड वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री ऑफ प्री 9th, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। Today is lecture number 21. Dear students, as you know that in the previous lecture we have solved Test Yourself 1.4 and I have shared the notes of Test Yourself 1.4 with complete solve Test Yourself 1.4 and we have discussed the concept of ions and cations and anions with examples. Well, dear students, in today's lecture we will discuss the tables, difference between atom and ion, difference between molecule and molecular ion, and difference between ion and free radicals. Well, dear student, this is the page number 15 of your textbook, and we have in front of us table 1.7, difference between atoms and ions. These are the differences when we have started our chapter number 1. In the start, we discussed about the basic definitions of atom and ions. So dear students, if you have the lecture of starting chapter, lecture number 5, 6, 7, in the starting lectures I have discussed about the atoms. So these are the very simple differences of atom and ion which you already know and discussed it in starting of this chapter. So we will again recall this differences and discuss on these differences. These are only three of them. The first one is, it is the smallest particle of an element. So the difference, there are the three main differences. The first one is, it is the smallest particle of an element. यानी कोई भी एक element जो exist करता है उसके अंदर जो सबसे छोटे से छोटे हिस्से और ज़र्रे होते हैं उन्हें हम atoms कहते हैं. लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि आयंस कैसे बनते हैं, एक एटम आयंस में कैसे कन्वर्ट होता है. जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाता है. इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करने से एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. यानी मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर एडिशन से नेगेटिव चार्ज आएगा. यानी कि यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत थी, तो इसके साथ यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा. इसके मुकाबले में सोडियम एक एटम था जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और वो लूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया था. सो आयन जो होते हैं उनके ऊपर एक चार्ज होता है और एक आयनिक कंपाउंड में 2 आयन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, या एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव रेडिकल हो जाएगा, या नेगेटिव रेडिकल होगा या पॉजिटिव आयन हो जाएगा. ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ गाइड कर देता हूँ. फर्ज करें एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन सोडियम का होगा और नेगेटिव आयन क्लोरीन का होगा, जो कलेक्टिवली कहलाएंगे NaCl. और अगर उनके अंदर कोई रेडिकल हो, मिसाल के तौर पर वहाँ पर सल्फेट रेडिकल होता है SO4-2-, तो फिर इनकी वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगी. जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो SO4 है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा Na2SO4 की वैलेंसी और ये बनेगा Na2SO4. एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव रेडिकल है. तो आयंस जो होता है बेसिकली वो एक आयनिक कंपाउंड का छोटे से छोटा यूनिट होता है जिसके अंदर अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. एक सिंपल आयनिक कंपाउंड को मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ. तो फर्ज करें दैट इज़ CaCl2. अब ये बेसिकली Ca के इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा क्लोरीन का एक नेगेटिव आयन है, और ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड के साथ जब ये लिखे जाएंगे तो ये लिखे जाएंगे CaCl2. और डियर स्टूडेंट्स, एटम्स जो होते हैं वो एक एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर एटम्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है. तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 1.
काफ़ी डिटेल में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर वन को. सेकंड, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. बाज़ एटम ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते और वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर लेते हैं, लेकिन बाज़ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं, इसलिए एटम्स इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस. जैसे कि हमारे पास है नियॉन, NE, आर्गॉन, ये नोबल गैसेस हैं. इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं और ये एक एटम के तौर पे भी एग्जिस्ट कर देते हैं एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेते हैं. ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो किसी ना किसी कंपाउंड का हिस्सा बन जाएंगे और किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले लेंगे. इसी तरीके से आयंस जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन. दे आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस. आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और इसके बाद हम अपना तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, इट इज़ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, उसके अलावा, उसके बरक्स, आइंस एट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट. इस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ पॉजिटिव आइन थे, कुछ नेगेटिव आइन थे, तो उसके ऊपर एक नेट चार्ज यानी उसका टोटल चार्ज वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. कुछ पॉजिटिव आइन की मिसाल ले लें, जैसे Ca2+, Na+, और उसके अगेंस्ट नेगेटिव आइंस Cl- NO2-. ये नेगेटिव आइंस की एग्जांपल्स हैं. जबकि एटम जो हैं वो अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के दो एटम्स इकट्ठे हैं, ऑक्सीजन के दो, ये इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और एटॉमिक फॉर्म में आर्गन, क्रप्टॉन, ये इसकी नोबल गैसेज हैं. आर्गन, क्रप्टॉन और नियॉन, ये इनके नोबल गैसेज हैं एटॉमिक फॉर्म के अंदर. तो आज हमने अभी डिस्कस किया है एटम्स और आयन का डिफरेंस. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन, और ये भी हमारे पास पेज नंबर 15 के ऊपर ही अवेलेबल है. मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कोई मॉलिक्यूल, जो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, मैं एक कंप्लीट मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट इज CH4, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है. अगर ये कंप्लीट मॉलिक्यूल किसी वजह से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कोई इतना सिंपल नहीं है. मॉलिक्यूल्स पहले ही ऑलरेडी उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर देते हैं. ठीक है, यानी कि दोबारा देख लें कि ये एक CH4 है मीथेन, लेकिन फिर भी ये एनी हाउ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है. ठीक है, इस तरीके से एक पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर एनी रीज़न वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर देता है. देखें, नाइट्रोजन के पास पूरा मॉलिक्यूल है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन इसके फिर भी लूज़ हो गए हैं यहाँ से, विच मीन्स दैट मॉलिक्यूलर आयन लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन. तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन लिखें कि ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है. इसको थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एग्जांपल्स हैं. वो कहता है कि व्हेन एन मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन. जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. हैंस अ मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट. उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है और या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. लाइक अदर आयंस दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस. दूसरे आयंस की तरह ये भी पॉजिटिव होते हैं कैटाइनिक, और नेगेटिव होते हैं एनायनिक होते हैं. यानी इनमें पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन. यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हैं. जो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई हैं तीनों, वो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल्स हैं. अब ये बनते कैसे हैं, तो ये सवाल यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से मार्क कर लेना है. ये सवाल है कि
हाउ मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। तो ये जहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपने व्हेन गैसेज आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दे आर नाइस टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। यानी होता ये है कि आप एक मॉलिक्यूल होता है वो तो पहले ही स्टेबल होता है, लेकिन आप इसको खुद से जो है वो क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं, एक ख़ास किस्म की कंडीशन। वो क्या कंडीशन है कि जब गैस को बम्बार्डमेंट, यानी कोई भी फर्ज करेंगे एक मिथेन गैस है CH4, ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रॉन्स की, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, व्हेन वी गैसेज आर बम्बार्डमेंट विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। सवाल नोट कर लेना आपने, हाउ मॉलिक्यूलर आयन इज, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से लेकर ये इसका आंसर है कि जब गैसेस जो हैं उसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया जाएगा एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दे आयोनाइज, वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस। तो यहाँ पे सवाल डेफिनेशन है, पहले तो मॉलिक्यूल यहाँ मैं दोबारा से आपको ज़रा एक दफ़ा मार करके दे देता हूँ। पहला सवाल क्या है जी, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, ये हेडिंग जो है वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पलें, एग्जाम्पलें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं। जब गैसेस को हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के नीचे बम्बार्टमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्चार्ज ट्यूब में, वो आयनाइज होकर मॉलिक्यूलर आयन बना देते हैं, ठीक है जी। आप इन दोनों का डिफरेंस है, ये भी बड़ा सिंपल सा डिफरेंस जिस तरह एटम और आयन का था, इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मॉलिक्यूल के बारे में तो 100% कन्फर्मेशन होती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका होता है, उन्होंने अपना आयन मॉलिक्यूल मुकम्मल कर लिया होता है, एंड शोल ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन अभी भी गेन और लूज़ हुआ होता है इलेक्ट्रॉन का, बम्बार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इट इज़ फॉर्म बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूलर आयन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से ये एटम से मिलकर बनता है, ये आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, पहले ही मॉलिक्यूल होता है और उसके अंदर वो हम आयंस ऐड कर इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि ये पहले ही एक मॉलिक्यूल होता है, प्लस उसमें हम इलेक्ट्रॉन प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस करने या माइनस करने से वो एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशी होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर चूंकि चार्ज आता है इसलिए वो एक रिएक्टिव स्पीशी में बदल जाता है। रिएक्टिव स्पीशी मुराद है कि यानी कि फ़ौरन रिएक्शन करेगी, ठीक है ना, इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी, तो ये फ़ौरन जो है वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, ये आपने बात जहन में रखनी है कि वो फ़ौरन रिएक्शन करेगी। मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशी होता है जबकि मॉलिक्यूलर आयन एक रिएक्टिव स्पीशी होता है। थर्ड आर्टिकल है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। कुछ रेडिकल्स के बारे में तो आपने पढ़ा है कि रेडिकल एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, बल्कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर ऑड नंबर, यानी कि वो 1, 3, 5, 7 के नंबर्स के अंदर, तो वो 1, 3 ही ज़्यादातर होते हैं, तो वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि अगर फर्ज करें यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर ये ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, क्लोरीन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऊपर एक डॉट दिखाई दे रहा है ये इसकी पहचान है फ्री रेडिकल की, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये फ्री रेडिकल कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। आपने देखा था कि मॉलिक्यूल को उन्होंने ज़बरदस्ती बम्बार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने उसको मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर दिया था। इस तरीके से फ्री रेडिकल भी कुछ ऐसे ही, और ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, तो यहाँ से देखें, ये मार्क कर रहा हूँ मैं आपको, ये फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, तैयार होते हैं बाय होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी।
यानी कि जब कोई भी बॉन्ड में 7 रुपये अगर क्लोरीन है, फ़र्ज़ करें ये क्लोरीन है Cl2, तो अब क्लोरीन का ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैंने ऐसे लिख लिया Cl Cl, उनके दरम्यान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद ये दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे क्लोरीन के। इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम के दरम्यान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अब फ्री रेडिकल एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्री रेडिकल जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने की सलाहियत होती है, तभी इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपको एयर में मिलेंगे बिकॉज के फोटो रिएक्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन सनलाइट वाला, वो आपको कहाँ मिलेगा? सनलाइट का रिएक्शन आपको हवा में एटमॉस्फेयर में मिलेगा या इन सनलाइट के पास मिलेगा। तो ये जो हैं वो फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बनाए तैयार होते हैं। तो सवाल आपने लिखना है कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, तो ये यहाँ से सवाल का आंसर जो है वो यहाँ तक बनेगा कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं बाय होमोलिटिक इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। सिंपल फर्ज करें, ये देखें ये हाइड्रोजन है H2, इसका ये बॉन्ड है सेंटर में लगा हुआ, जब यहाँ पे सनलाइट होगी तो ये दो फ्री रेडिकल इसके बन जाएंगे, तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अच्छा भला एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो सनलाइट की वजह से एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और चूंकि ये एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है, इसमें एनर्जी भी होती है, इसमें हीट भी होती है, इसमें सनलाइट भी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। ठीक है, अब आगे देखें, ये एक Cl2 था, मैंने आपको बताया था Cl2, अब उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, यानी कि Cl बॉन्ड ब्रेक हुआ सनलाइट की वजह से, एंड सनलाइट ब्रेक्स द बॉन्ड और वो बन गया एक फ्री रेडिकल, इट कन्वर्ट्स इनटू अ फ्री रेडिकल। 2 Cl लिखा हुआ, यानी इसकी मिसाल ये है कि एक Cl ये और दूसरा Cl ये हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है मीथेन की, मीथेन गैस की, ठीक है ना? तो मीथेन गैस की जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देते हैं कि मीथेन जो होता है वो स्ट्रक्चर जो है मीथेन का वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जो उसके ऊपर ब्रेकेज सनलाइट की होगी वो किसी जगह से भी ब्रेक होकर एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, ठीक है ना? तो ज़रा बार बार ज़रा मेरी जो बातें हैं उनको आप जब आप बार बार गौर करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी कि फ्री रेडिकल या मॉलिकुलर आयन ये एक स्पेशल कंडीशन में बनते हैं जब उनके ऊपर जो है वो बम्बार्टमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर मॉलिकुलर आयन बनता है, और जब उसके अंदर जो है वो सनलाइट की मदद से होमोलिटिक यानी इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है तो उसके अंदर से फ्री रेडिकल्स बनता है। अब इनका डिफरेंस आयन्स और फ्री रेडिकल्स का क्या है? सिंपल डिफरेंस है कि जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे आयन कहते हैं, और फ्री रेडिकल के ऊपर एक बकायदा डॉट सा बना होता है उसके सब कंपाउंड के एलिमेंट के नाम के ऊपर, ठीक है ना? ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि वो 1, 3, 5 की रेशियो में होता है। दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कहते हैं स्ट्रक्चर को, लैटिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना? एल अरेंज स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है? तो आयंस जो हैं वो सनलाइट से उनको कोई असर नहीं पड़ता, और फ्री रेडिकल तो बनते ही किस में हैं? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। और वो कहता है कि वो सोल्यूशन और क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक पिछले लेक्चर्स में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया था पेज नंबर 68 के ऊपर, पेज नंबर 68 पर मैंने NaCl का स्ट्रक्चर दिखाया था, NaCl, ठीक है ना? उसका स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया था। कहते हैं तो आपको दोबारा दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये देखें पेज नंबर 68 है, और उसके ऊपर ये देखें ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ये आपने पहले भी जो है वो NaCl का स्ट्रक्चर देखा होगा। मैंने आपको यहाँ पे मार करके दिखाया था कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है ना?
यानी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर आपको NaCl का बता रहा है कि ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में होता है। देखें ये जो हिस्सा है ये पॉजिटिव है और ये हिस्सा जो है वो नेगेटिव है। तो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें देखा गया कि वो या तो अब इसमें अगर नमक को पानी में हल कर दें ठीक है तो वो क्या होगा, वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब सॉलिड सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये सॉलिड फॉर्म है, इसकी सॉलिड फॉर्म है। और अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा तो वो इसकी सोल्यूशन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज के लेक्चर की असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो क्यों ना हम असाइनमेंट्स को एक टेस्ट की शक्ल दे दें, और पेज नंबर 14 पे ऊपर हमने जो चीज़ लिखी थी डिस्कस ऑन पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15, तो पेज नंबर 14 और 15 पे जो हमने पढ़ा है, पेज नंबर 14 के ऊपर आयंस का टेस्ट योर सेल्फ है और 15 के ऊपर हमारे पास भी टेबल्स मौजूद हैं। तो वो 15 के ऊपर जो है वो टेबल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, और जो अभी इस टुडेज लेक्चर में हमने लर्न और प्रैक्टिस किया है टॉपिक्स के बारे में, वो भी आपने याद करना है। तो इंशाल्लाह आपको मंडे को टेस्ट दे दिया जाएगा जो पेज नंबर 14 और 15 में से होगा, वो आपने उसकी तैयारी करके रखनी है, और मंडे वाले दिन आपको जब टेस्ट मिलेगा तो वो आपने मुझे सबमिट करवाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।